हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे एलसीएम निकालना। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एचसीएफ, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम जो है उसको भी निकालने के दो तरीके हैं। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और सेकेंड है डिविजन मेथड। सबसे पहले हम सीखते हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमने तीन डिजिट्स लिए हैं 8, 16 और 24। इनका हम पहले एलसीएम निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले लिया है 8, पहले हम 8 का एलसीएम निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 ज़ा 2। उसके बाद 16 का निकालेंगे इसी तरीके से। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, सीधे 3 ले लेंगे, 3 1 ज़ा 3। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने फैक्टर्स निकाल लिए 8, 16 और 24 के। ध्यान रखिएगा नंबर हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट कीजिएगा। अब हम लिखते हैं फैक्टर्स। 8 के कौन कौन से फैक्टर्स थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, और 16 के कितने थे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसमें अब क्या करना है, इसमें हम कॉमन निकालेंगे। जो कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकालने के बाद जो डिजिट्स बचेंगे उनको हम एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए पहले हम कॉमन निकालते हैं, 2 कॉमन निकला, जो 2 हमने कॉमन निकाला उसको हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अगेन इसमें ये 2 कॉमन निकल रहा है, उसको हम दोबारा यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पर ये दोबारा 2 हमने कॉमन निकाला, ये भी यहाँ पे। अब यहाँ पे कितना बचा, 2 और 3, 2 और 3 डिजिट जो है वो बच रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, एज इट इज़ नोट कर लेंगे, लिख देंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा कितना आएगा, 48। ठीक है, दैट मीन्स एलसीएम ऑफ 8, 16 एंड 24 इज़ 48, दैट इज़ योर आंसर। अब हम करते हैं एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड जब हम करते हैं तो जो हमें नंबर गिवन होते हैं उन नंबर्स को हम एक साथ लिखते हैं और उसके बाद एक ही टेबल से उनको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 50, 60, इनको हम एक सीरीज़ में लिख लेते हैं इस तरीके से। सीरीज़ में लिखने के बाद अब हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लेते हैं छोटा नंबर 2। 2 25 से 50 होता है, 2 30 से 60 और 35 2 के टेबल में नहीं आता तो 35 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 2 के टेबल से 30 जाता है, 25 और 35 नहीं जाता तो 25 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और 30 कितना हो जाएगा, 2 15 ज़ा 30 और 35 भी ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम लेते हैं 3, क्योंकि 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 ज़ा 15 और 35 ऐसे ही आ जाएगा। अब हम लेंगे 5 का टेबल, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5, 1 तो ऐसे ही आ जाएगा, बचा 7, 7 को भी हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब ये 7 के टेबल से चला जाएगा, 1 1 एंड 7 1 ज़ा 7। स्टूडेंट्स ये हो गया 50, 60 और 35 का फैक्टर जो हमने अभी निकाला। इस तरीके से हम एलसीएम डिवीजन मेथड से निकालते हैं। अब ये जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं इनको हम यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम ऑफ 50, 60 एंड 35। क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 65 ज़ा 300, 307 ज़ा
2100। स्टूडेंट्स द एलसीएम ऑफ 50, 60 and 35 इज 2100। इसी तरीके से आपको एलसीएम डिवीजन मेथड से निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, इसमें तीन नियम है, 3 रूल्स फॉलो होंगे। जब हमें एलसीएम और एचसीएफ गिवन हो और प्रोडक्ट टू नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आ जाएगा। अभी इसको हम आगे एग्जांपल से भी समझेंगे। नेक्स्ट रूल है एलसीएम। जब हमें एलसीएम फाइंड करना हो और एचसीएफ दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी दे रखा हो और एलसीएम हमें ना पता हो, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स को हम एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम। थर्ड रूल है जब हमें एलसीएम गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स गिवन हो तो हमें एचसीएफ फाइंड करना हो, तो हम इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एचसीएफ फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर अपॉन एलसीएम। इन तीनों रूल्स को आइए हम एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन में हमें फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 and 80 बाय फाइंडिंग देयर एचसीएफ। एलसीएम हमें फाइंड करना है 36 और 80 का, किससे, एचसीएफ के थ्रू। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट्स का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिवाइडेशन मेथड। 80 और ये 36, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 36 to 72। 80 में से 72 गया, कितना बचा, माइनस करने पर 8। अब 8 बाहर हो जाएगा और 36 अंदर आ जाएगा, यहाँ पर 8 4 32। 36 में से 32 माइनस किया 4, 4 बाहर और 8 अंदर, 4 2 8, 8 में से 8 माइनस किया 0। दैट मीन्स हमारा 36 और 80 का एचसीएफ कितना आ गया, 4। ठीक है, अब हमें एचसीएफ भी मिल गया, एचसीएफ हमारा कितना है, 4, ये एफ है। ठीक, अब हम इसे निकाल लेंगे एलसीएम। एलसीएम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। टू नंबर्स कौन से थे, 36 और 80। ठीक है, अपॉन एचसीएफ। एचसीएफ हमारा कितना आया, 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 2880 अपॉन 4। अब हम 4 से डिजिट को काटेंगे, 4 7 28, 4 2 8 और 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 720। दैट इज ये क्या है, 720 एलसीएम। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको एक्सरसाइज 4E जो है वो सॉल्व करनी है। ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं तीन फॉर्मूलों पे बेस्ड हैं, और एलसीएम और एलसीएफ जो है, एलसीएम जो है फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, जो कि आपको कॉन्सेप्ट अभी क्लियर किया उसी बेस पर है। आपको एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है, फाइन। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।